हेलो गाइस, मैं प्रेजेंट बैक अगेन विद न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y53 डिवाइस के अंदर स्क्रीन पिनिंग के बारे में। जी हां गाइस, आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने फोन की स्क्रीन को पिन कैसे कर सकते हैं। जो भी रिसेंट एप्लीकेशन आप रन कर रहे थे, आप उसको पिन कर दीजिए। एक्चुअल वही एप्लीकेशन आपका पिन रहेगा और कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। ये काफी अच्छा और बढ़िया सेटिंग्स है, आपको मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है। और गाइस, मैंने वीवो के वाई कीज के बारे में भी बात कर ली, ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो उस पे है। अगर देखना चाहो तो वाई बटन को चेकआउट कर सकते हो या फिर आप चैनल पे मिल जाएगी वीडियो, जाके देख लेना। अब हम बात करते हैं कैसे इसका एक्चुअल यूज करना है। तो हमारे पास वीवो का Y53 है, आपको पता होगा, और मैं इसी 53 फोन के अंदर इस सेटिंग्स का यूज करूंगा। जो ओल्डेस्ट डिवाइस जितने होते हैं सबका सेम आपको प्रोसेस मिल जाता है, लेकिन जो न्यू स्मार्टफोन है मे भी हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं आपको उस पर भी बताऊंगा, कॉमेंट कर देना जिस भी डिवाइस के ऊपर आपको ये स्क्रीन पिनिंग चाहिए। तो चलो हम डेमो करके आपको दिखाते हैं कैसे इसका यूज करना है। तो गाइस, इसे करने के लिए जहां पर हमारा डिवाइस है, इसे करने के लिए आपको आना है फोन सेटिंग के अंदर। तो जस्ट हमने फोन सेटिंग को ओपन कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी में आना है, सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर आएंगे। तो जस्ट हमारे पास सिक्योरिटी का सेटिंग्स है, इसको हम प्रेस करेंगे। तो जैसे गाइस हमने प्रेस कर लिया, अभी हम क्या करेंगे गाइस, यहां से नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, हमें स्क्रीन प्रिंट का एक सेटिंग्स मिलेगा जिसे हमें ओपन करना है। तो नीचे हम कर रहे हैं, तो स्क्रीन प्रिंट जो यहां पर आ रहा है, जो आपको नोटिफिकेशन एक्सेस के जस्ट डाउन में आपको दिख रहा है, इसको आप कर लेना ओपन। मैं इसको क्लिक कर दिया। अब यहां पर हमारे पास दोनों ऑप्शंस ऑन है, मैं चाहूं तो स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन का यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। दोनों अगर ऑप्शंस ऑन नहीं है तो ऑन कर लेना। जैसे एग्जांपल में मैं इसको ऑफ कर देता हूं, सारी चीजें ऑफ हो चुकी है। इसके अंदर हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, लेकिन गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ये है, ये ऑप्शन आपको ऑफ ही मिलेगा। अगर ये ऑन कर दिया आपने तो भी ये ऑफ रहेगा, लेकिन आपको इसका एक्चुअल यूज कैसे करना है। इसको जब ऑन करेंगे तो आपके फोन के अंदर अगर कोई पासवर्ड है लगा हुआ तो कोई बात नहीं, ऑन हो जाएगा इजीली, जैसे मेरे फोन में हो गया। लेकिन अगर आपके फोन के अंदर कोई पासवर्ड नहीं ऐड है तो आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा। तो वहां पर वैसे ही ऑलरेडी आएगा क्रिएट करने के लिए, जस्ट आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहां से हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। अब हम स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज करेंगे, तो यहां से कट कर देंगे। अब हमारे पास कोई एक एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे और उसी एप्लीकेशन को हम स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर डालेंगे, जिससे हम उसी एप्लीकेशन को यूज कर पाए, ना कि किसी और एप्लीकेशन को। तो उसके लिए हम किसी एप्लीकेशन को चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब को चूज कर लेता हूं। अभी मैंने यहां पर यूट्यूब को ओपन कर लिया। यूट्यूब को हम यहां पर कुछ सर्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ताकि ये इस बैकग्राउंड में आ जाए। तो हमने इसको सर्व कर लिया, अब हमारे पास ये बैकग्राउंड में आ चुका है। तो स्क्रीन के अंदर यहां पर देखो गाइस, यहां पर आ चुका है। अब हम यहां पर पिन करेंगे यूट्यूब को। यूट्यूब के अलावा और कोई एप्लीकेशन हमें नहीं चाहिए यहाँ, तो ऐसे तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने ऑन करके रखी है, तो हम किसी को भी चाहे यहां से ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम यूट्यूब को पिन करेंगे। तो जस्ट इस पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर आइकन जो था उस पर हमने क्लिक कर दिया, देन ओके कर देंगे। अब हमारा स्क्रीन पिनिंग गाइस ऑन हो चुका है। अभी देखो हमारे यहां पर जो बटन्स है जितने भी, इसको हम कट करेंगे, जो भी क्लिक करेंगे, कोई भी यहां पर टास्किंग नहीं हो, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। देखो गाइस, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा, मैं क्लिक कर रहा हूं, यूएन का नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा। सिर्फ हम इसी को सर्व करेंगे, यूट्यूब को सर्व करते रहिए, यूट्यूब को जितना भी आपको यूज करना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इसको पिन कर दिया, स्क्रीन को पिन कर दिया ताकि हम यूट्यूब का ही यूज कर पाए, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन अभी यूज नहीं करनी है, तो इसलिए हमने स्क्रीन को पिन कर दिया। तो अब गाइस पिन तो कर दिया आपने, लेकिन आपको हटाना भी तो है, इसे कैसे हटाएंगे। तो उसके लिए गाइस आप ध्यान से देखना, यहां पर एक बैक बटन है, वैसे आपको कैमरे में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, लेकिन ये राइट हैंड साइड में बैक बटन है। जस्ट इसको लॉन्ग ऐसे प्रेस करके रखना और ये फोन आपका अनलॉक हो जाएगा। अभी देखना, मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा, अब ये फोन का स्क्रीन प्रिंटिंग जो ऑफ हो चुका। अब मैं यहां पर पासवर्ड डाल के अपने फोन के अंदर मैं इस एप्लीकेशन या फिर इस फोन का कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकता हूं इजीली। सो बस गाइस, यही थी आज की वीडियो। होपफुली आप समझोगे कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आप इसका एक्सपीरियंस करना यूज करने के बाद, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना कैसा एक्सपीरियंस रहा इस स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ। तो बस गाइस, मिलते हैं किसी दिन और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।